खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। मैं ये वीडियो बना नहीं रहा था, फिर लाइनस का वीडियो आ गया और एकदम ऐसे अंदर से थक थक होने लगा। रे बाबा, बनाना पड़ेगा अब तो। ओके, सबसे पहले तो आप इन एएमडी के सामानों को परचेस कर पाएंगे जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन के खत्म होने के बाद में। तो यहाँ पर सामान का मेरा मतलब है एएमडी के सीपीयू यानी कि 3100, 3300X एंड ऑल्सो द B550 चिपसेट यानी कि मदरबोर्ड्स। तो ये जो मदरबोर्ड्स हैं ये आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो आप नेक्स्ट मंथ में जब भी लॉकडाउन खुल जाता है, आई हैव नो आइडिया वो कब खुलेगा, लेकिन जब भी खुलेगा यू विल बी एबल टू परचेज दीज थिंग्स। अभी के लिए तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इंडिया के अंदर सामान आया भी नहीं है। बैक टू द टॉपिक, एएमडी ने लॉन्च करे हैं दो ब्रांड न्यू बजट ओरिएंटेड प्रोसेसर्स, लेकिन इसमें इनकी प्राइसेस के अलावा कहीं पर भी बजट ओरिएंटेड सामान है ही नहीं। ये 8-10 हज़ार रुपये के सीपीयूज मेरे इंटेल के i7-7700 एंड किसी इंसान के इंटेल को i7-7700K को ईजिली डिफीट कर पा रहे हैं। एंड दैट्स एब्सोल्यूटली माइंड बॉगलिंग, बिकॉज आज से 3 साल पहले इंटेल की जो बेस्ट ऑफरिंग थी वो थी इंटेल को i7-7700K एंड उसकी प्राइस थी 27 हज़ार रुपये की। एंड अभी आपको मिल रहा है एएमडी की साइट से मात्र 10 हज़ार रुपये के अंदर एक ऐसा सीपीयू जिसका नाम है 3300X एंड वो दे रहा है आपको परफॉर्मेंस बेटर देन दी 7700K। तो अगर आप जोड़े घटाएं गुणाकार करें भागाकार करें देन यू विल बी रियलाइजिंग कि आप एक्चुअली में 10,000 रुपीज दे के परचेज कर रहे हैं एक 25-27 हज़ार रुपये का सीपीयू जिसका नाम है 7700K। बस इस बार उन्होंने ब्लू रंग मिटा के लाल रंग कर दिया है और 7700K हटा के 3300X कर दिया है। दैट्स क्रेजी VFM एंड दैट्स क्रेजी स्टील ऑफ अ डील। अब यहाँ पे ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर anyone who's trying to build a brand new PC जो कि एक बजट सेक्शन के अंदर जाने वाला है, बिकॉज I'm gonna be uncovering all those things जो कि शायद कवर नहीं करी गई हूँ। आई डोंट नो, मे बी कवर कर दी हूँ, आई डोंट नो। Let's begin the video right away. सीधे शुरू करते हैं विद द कंपैरिजन। यहाँ पर 3100 एक कमजोर सीपीयू है व्हेन कंपेयर टू द 10,000 रुपीस का 3300X। 3100 इसलिए कमजोर है बिकॉज इसके अंदर पे 2 CCX का इस्तेमाल हुआ है। एंड आई जस्ट पुट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो दैट यू कैन गो एंड रीड दैट थिंग। लेकिन अगर शॉर्ट में निपटाएं तो सच्चाई तो ये है कि इन्वेस्टिंग इन 10,000 रुपीस का 3300X इज गोना बी अ बेटर डील फॉर योर मनी। तो ये बात है। अगर और कंपैरिजन के बारे में बात करें तो ये जो 3100 है और 3300X है, ये दोनों के दोनों जो है वो क्वाड कोर सीपीयूज हैं, यानी कि इनके अंदर 4 कोर्स हैं और ये हाइपरथ्रेडेड भी हैं, जिसको आप एएमडी के अंदर बोलते हो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडेड सीपीयू, यानी कि इसके अंदर 4 कोर्स हैं, इसके अंदर 8 थ्रेड्स हैं, एग्जैक्टली सेम एज दी इंटेल कोर i7-7700K। दैट्स इट। इसलिए देखा जाए तो लोग ये कह सकते हैं कि यार 3300X इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू दी i7-7700K। तो एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द Cinebench R20 रिजल्ट्स ऑफ दी 3300X वर्सेस दी महंगा वाला 27,000 रुपए का 7700K on the screen right now. Now as you can see in the results we can clearly say कि यहाँ पर Ryzen तो मल्टी कोर के अंदर जीती रहता हमेशा की तरफ, लेकिन इस बार तो उसने सिंगल कोर के अंदर भी इंटेल को डिफीट कर दिया है। सो दैट इज सम 7 nanometer ग्लोरी आउट देयर। अब यहाँ पे एक मेजर बात ये भी है कि इंटेल के पास में एक IGPU है जो कि AMD के पास में बिल्कुल नहीं है। AMD के CPU सिर्फ CPU है, वो APU नहीं है। इतने शान से बोल रहा हूँ जिससे बहुत बड़ी बात हो गई है ये, लेकिन क्या करें यार, आई हैव टू एडवोकेट माय ओन इंटेल कोर i7। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अच्छा, एक बात ये भी है कि मैं 3100 को बुरा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो 2 CCX वाला कमजोर सीपीयू है, बट द रीजन व्हाई आई थिंक 3100 इज नॉट अ गुड सीपीयू इज बिकॉज के सेम प्राइस पॉइंट पे एट द वैल्यू ऑफ 8,000 रुपीज आपको इजिली मिल जाता है अमेजोन पर 1600, और वो एक मॉन्स्टर सीपीयू है विच इज हैविंग 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड। तो किसी भी इंसान को अगर 8,000 का सीपीयू लेना ही है ना, तो मैं डेफिनेटली 3100 को रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि आई विल बी चिल्ला के रिकमेंडिंग यू टू गेट दी 1600 फ्रॉम Amazon, बिकॉज वो बहुत गॉड लेवल सीपीयू है यार। उससे अच्छा सीपीयू है ही नहीं 8,000 की प्राइस पॉइंट के अंदर। फैक्ट बात है ये। अच्छा हाँ, हम कंपेरिजन कर रहे थे राइट। हाँ, तो कंपेरिजन के अंदर अब चलते हैं टूवर्ड्स दी गेमिंग। तो मैंने उठाए हैं बेंचमार्क्स फ्रॉम द टीचर इटसेल्फ। तो मेरे जो टीचर हैं यानी कि JT2Sense, उनका जो ग्राफ है अब आएगा आपकी स्क्रीन के सामने।
और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों के दोनों सीपीयूज के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है, काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजेंस है इन द ओवरऑल फ्रेम रेट का डिफरेंस। अब अगर आप ये करें कि किसी इंसान को बिठा दें और दो अलग अलग कंप्यूटर रख दें, एक के अंदर R3 लगा दें, एक के अंदर i7 लगा दें, तो अगर कंप्यूटर्स के ऊपर स्टिकर नहीं लगा होगा ना कि इसमें i7 है इसमें R3 है, तो जो इंसान खेल रहा होगा बता भी नहीं पाएगा वो कि भाई किसके अंदर i7 है और किसके अंदर R3 है। इतना ज़्यादा सिमिलर परफॉर्मेंस है इन दी R3 एंड दी i7। सो मेरे हिसाब से इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि बेसिकली ये आप जब खरीदने जाते हैं 3300X यानी कि 10,000 रुपये का वो R3 CPU, तब आप ओरिजिनली में खरीद रहे होते हैं अपने लिए 7700K के, वो भी 7 नैनोमीटर का। वैसे इस 7 नैनोमीटर के Zen 2 के R3 लॉन्च होने के बाद में एक इंटेल कोर i7 के यूज़र की ईगो तो हर्ट हुई है, लेकिन इसके अलावा भी एक इंटेल कोर i7 के यूज़र के दिमाग के अंदर ये जो थॉट प्रोसेस थी ना कि हमारे पास तो i7 है, हम तो सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर महंगे में बेच देंगे, इन सपनों पर भी पानी फिर चुका है। अब AMD जो है वो इतना बुरा हो चुका है कि उसने इंटेल के लेटेस्ट जनरेशन यानी कि अभी तो लेटेस्ट जनरेशन 9 जनरेशन है, 10 जनरेशन आने ही वाला है, लेकिन AMD ने 9 जनरेशन की बिक्री पर प्रॉपर फुल स्टॉप लगा ही दिया था। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे, हम तो सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर भी तुम्हारी वाट लगा देंगे, तो उन्होंने हमारी वाट वहाँ भी लगा दी है। सो दैट इज़ वॉट रियलिटी इज। तो अगर आप जाते हैं फॉर अ सेकेंड हैंड PC बिल्ड, I am pretty sure कि आपको 7700 के सस्ते में पड़ जाएगा, जो कि कोई बुराई नहीं है। बट अगेन, आप खरीदते टाइम जिस बंदे से आप खरीद रहे होंगे उसके आप इंसल्ट कर सकते हैं, अरे क्या यार आप इतना महंगे में दे रहे हो, Ryzen का तो R3 आता है 8000 में, वो इससे अच्छे परफॉर्म करता है, कहाँ दे रहे हो आप महंगे में, कौन सी दुनिया में जी रहे हो भैया आप। जब आप ऐसा बोलेंगे ना, तो उस i7 के जो बंदे के अंदर आत्मा जब रो रही होगी ना, You can't tell the pain of that guy. I can tell it. अरे बर्बाद कर दिया। हे भगवान। That's why actually हो ये रहा है कि you are not seeing a lot of Intel users come out and speak about their Intel processors. क्योंकि अब क्या बोलेंगे? तो पहले जिन सवालों के जवाब में Intel आते थे, अब उन सवालों के जवाब में सिर्फ और सिर्फ Ryzen ही आ रहे हैं कि अगर किसी को budget oriented system build करना हो for editing, 1600 उसका जवाब होगा। किसी इंसान को अगर एकदम सस्ता PC बिल्ड करना हो फॉर दी गेमिंग सिनेरियो, देन उसका आंसर होगा 3300X। एंड अगर किसी इंसान को बिल्ड करना हो एक बढ़िया गेमिंग बढ़िया एडिटिंग PC, तो उसका आंसर होगा 3600। दिस वॉज मी जॉनी, एंड अब मैं जा रहा हूँ रोने के लिए, बिकॉज मेरे पास में इंटेल कोर i7 7700 है, नॉन के वेरियंट है मेरे पास में, तब भी मेरी जान निकली जा रही है, मैं रोने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज बर्बाद कर दिया।